स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। हमारे पास है NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। शेयर की बात करें आज के दिन तगड़ी गिरावट शेयर में देखने को मिली है। गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो 7.07% की यानी कि 5.80 रुपये की गिरावट जो है शेयर में देखने को मिली है। करंट प्राइस की बात करें 76.20 रुपये का करंट प्राइस हमें देखने को शेयर का मिलता है। एक महीने के चार्ट में हम देखेंगे कि शेयर में जो है हमें इम्पोर्टेंट एक रैली देखने को मिल रही है। रैली ये है, 6 महीने का चार्ट में देख लेते हैं। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो 60 रुपये के आसपास शेयर अवेलेबल था, जो कि फरवरी 2023 की बात है। वहाँ से जो है शेयर ने अपना जो है 90 रुपये के आसपास का हाई लगाया, यानी कि 50% का रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को इस जो है लगभग 2 महीने के पीरियड में। तो यहाँ पे जो है कहानी क्या हुई है शेयर के साथ जो आज इतनी बड़ी गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है। शेयर में जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इन्वेस्टर आगे इसको होल्ड करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही जो है यहाँ पे बाइंग का मौका बन रहा है। ये जो गिरावट है दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, यानी कि जो जिन इन्वेस्टर ने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को बाई किया था वहाँ पर वो लोग अपना जो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। कंपनी स्पेसिफिक कोई न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। पूरे ही जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है पूरा ही सेक्टर जो है आज के दिन गिरा हुआ था और पिछले एक दो दिन से उसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह जो है प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। शेयर में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत जैसी कोई न्यूज़ अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो भी इन्वेस्टर हैं कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं और जब आपको मौका मिले तो आप भी जो है अपना प्रॉफिट बुक चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि शेयर की बात करें इस तरह की कंपनियां जो है कभी कभार चलती हैं, लगातार चलती रहें वो बात दूसरी है, वो कोई खास ओकेजन नहीं होता है, कोई खास कंपनी होती है, वरना इस तरह की कंपनियाँ जो है कभी कभार चलती हैं जो अच्छे रिटर्न देती हैं। तो अपना जब भी आपका प्रॉफिट हो मुनाफा हो अच्छा खासा तो वहाँ से आप जो है निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 90 रुपये का इसने हाई लगाया था तो मेरी स्ट्रेटजी किस तरह की रहती, उसमें मेरी स्ट्रेटजी इस तरह की रहती कि 90 रुपये का हाई लगाने के बाद जैसे ही शेयर में 10% की गिरावट हुई, यानी कि शेयर जो है 81 रुपये पर आया, तो वहाँ पे मैं जो है एग्ज़िट कर जाता। यानी कि चाहे ट्रेड हो या चाहे स्टॉक हो आपको जो है हमेशा स्टॉप लॉस एक ले कर चलनी चाहिए। तो अगर आप उसको ले कर चलेंगे तो जो है आप हमेशा जो है मुनाफे में रहेंगे। अब कैंडलिस्टिक पैटर्न में अगर हम शेयर को देखें तो 66 रुपये की यानी कि 66 रुपये की सपोर्ट मुझे नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लेवल ये बन जाता है, यानी कि ये लेवल भी सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि हम 70 रुपये के आसपास का मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की भी बन रही है जो लोग बाइंग करना चाहते हैं 66 रुपये की SL के साथ में, यानी कि स्टॉप लॉस अपनी लगा के जो है इस शेयर में जा सकते हैं, करंट जो प्राइस है उस पर बाई कर सकते हैं। 90 रुपये का आपका जो है टारगेट रह सकता है, क्योंकि वहीं से जो है गिरावट हमें इस शेयर में नज़र आई है, तो चाहे तो बाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया जो इन्वेस्टर हैं वो कंटिन्यूसली होल्ड करके आगे इसमें चल सकते हैं। इसके बाद हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है इरकॉन। रेलवे का ये शेयर है और कमाल के नंबर्स जो है, यानी कमाल के जो प्रॉफिट है उसने जो है जनरेट करके दिया है पिछले कुछ समय से अपने इन्वेस्टर को। आज के दिन भी देखें तो 6% की तेज़ी जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। 6% की तेज़ी इसलिए है कि एक ब्रोकर रिसर्च में जो है इरकॉन को बाई की रेटिंग दी गई है और साथ ही जो है 64 से 68 के टारगेट जो है इरकॉन को दिए गए हैं, यानी कि उस रिसर्च के पब्लिश होने के बाद जो है हमें इरकॉन के शेयर में आज के दिन 6% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 5 दिन में अगर हम देखें तो 5 दिन में 5.64% का रिटर्न है, 1 महीने में देखें तो 13% का शानदार रिटर्न है, 6 महीने की बात करें तो लगभग 50% के आसपास का रिटर्न हमें जो है देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कमाल करके दिया है पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर को जो है इस शेयर ने तगड़ा रिटर्न जो है प्रोवाइड करके दिया है। तो इस लेवल पे क्या करना चाहिए, इस लेवल पे क्योंकि हमें पता है शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में फियर होता है कि यहाँ से शेयर गिर तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में आपको करना ये है आप कंटिन्यूसली इस शेयर के साथ लगे रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी को जब भी कोई ऑर्डर्स मिलता है तो शेयर में जो है 5 से 10% की तेज़ी जो है हमें देखने को आराम के साथ मिल जाती है और ऑर्डर्स जो है कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है कंपनी के साथ बने रह सकते हैं, चाहे तो आप जो है स्टॉप लॉस लगा के एक जो है इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, फ्रेश बाइंग के लिए मौका था यहाँ पे बाई करने का,
ये जो पूरा लेवल था, ये नीचे का जो लेवल था, ये जो लाइन है 50 रुपये के आसपास की, ये मौका था यहाँ पे बाई करने का। तो अभी मैं इस लेवल पे बाई करने का सजेशन तो नहीं दूंगा। हालांकि जो इन्वेस्टर हैं वो होल्ड कर सकते हैं, और मैं सेल करने का भी सजेशन अभी इसको नहीं दूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न में शेयर को देखें तो जो लेवल मैंने बताया कि बाई करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ थी, बाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। उसके अलावा बाई करने की अपॉर्चुनिटी ये जो पूरा लेवल है यहाँ पे भी बाई करने की अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब रिटेल इन्वेस्टर करते क्या है, जब शेयर भागने लगता है तब वो बाई करते हैं, लेकिन जब वो शेयर सपोर्ट के आसपास होता है तब जो है उसमें बाई करने से डरते हैं। यही जो गलती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो सबसे बड़ी गलती उसके लिए साबित होती है। कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, देखते हैं कि रैली चल रही है, रैली चल रही है यहाँ पे, कहीं भी इस रैली में यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे बाई कर लेंगे। और कुछ इन्वेस्टर क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टर ये करेंगे कि जैसे ही लगेगा उनको कि हाँ शेयर बढ़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, जब जो है गिरने लगेगा तब जो है उसमें एंटर करेंगे, यानी कि इस रैली में कहीं घुस जाएंगे और फिर जो है फंस जाएंगे। तो गिरते हुए भी कभी बाई ना करें, ऊपर के लेवल पे भी कभी बाइंग ना करें, हमेशा सपोर्ट के आसपास बाइंग करें। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करें, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें, हमेशा जो है डिप पे, डिस्काउंट पे और सपोर्ट के आसपास जो है बाइंग करें। तो जैसा मैंने बताया, कंटिन्यूसली ईयरफोन के साथ होल्ड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट का, क्योंकि हमें पता है किस तरह के जो रिटर्न्स ईयरफोन ने पिछले 6 महीने में दिए हैं। ये जो लेवल है अगर इसको क्रॉस करता है, यानी कि जो 68 रुपये का लेवल है इसको अगर क्रॉस करता है, तो शेयर जो है 75 रुपये के पार चले जाना चाहिए बड़े आराम के साथ। इसके बाद जो शेयर है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो हमें पता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने पिछले कुछ दिनों में कितना कमाल करके दिया है। हालांकि उससे पहले शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट जो है देखने को मिल रही थी, आपको चार्ट पे जो है नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे 350 रुपये का एक लेवल टच करने के बाद शेयर ने जो है 700 रुपये, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर पैसा जो है दुगना करके दिया है अपने इन्वेस्टर का। और दुगना करके क्यों दिया है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज, काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं कंपनी को मिले थे। रिलायंस ग्रुप ने जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ में। उसके अलावा तेलंगाना सरकार ने जो है इनको ऑर्डर दिया था। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी जो ई व्हीकल होते हैं, खासकर बसें, जो इलेक्ट्रॉनिक बसें होती हैं, हाइड्रोजन बसेस जो होती हैं, कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है, उनको बनाती है। ऐसे में जो है जबकि सरकार, और चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है ध्यान दे रही है और चाहती है कि जितना कम से कम जो कार्बन है यानी कि पोल्यूशन है वो कम से कम हो, तो ईवी और हाइड्रोजन बसें जो हैं उनकी तरफ जो है जो भी व्हीकल हैं उनकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान अभी के समय में दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही रैली जो है हमें इस शेयर में देखने को भी मिली है। यानी कि आप समझिए दुगुना, 1 महीने में दुगुना रिटर्न जो है इसने कमा के दिया है। और अभी भी अगर कंपनी को कोई भी ऑर्डर अगर मिलता है, तो ये शेयर हमें जो है इसने जो अपना 750 रुपये के आसपास का ही लगाया है उसको क्रॉस करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी शेयर में शानदार 4.5% की तेज़ी जो है हमें देखने को मिली है। हालांकि कोई कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में चाहे तो आप जो है ये जो लेवल है यहाँ की स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 600 रुपये की स्टॉप लॉस लगा के शेयर को बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जो भी सजेशन या मैं खुद भी जो है स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूँ, कि अगर स्टॉप लॉस पे आता है तो वहाँ पे मुझे जो भी मेरी क्वांटिटी होती है वहाँ से मुझे एग्जिट करना होता है। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, जो भी मेरी स्टॉप लॉस है मैं वहाँ पे जो है अपने जो क्वांटिटी है उससे निकल जाता हूँ। तो इसलिए मैं जो है हमेशा स्टॉप लॉस लगाने की को सजेस्ट करता हूँ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तब। और शॉर्ट टर्म के लिए ही ये शेयर है, लॉन्ग टर्म में जाने लायक ये शेयर नहीं है। तो चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के आप जो है बाई कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो भी जो है कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी ने पहले से बाई कर रखा है तो उसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।